A very happy good afternoon to all my dear students. Today I have come with a new abbreviation which is framed only for you, and my abbreviation is BWDSB, B for believe in yourself. जब आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं तो आप कुछ अच्छा ही करके निकलते हैं. W, work hard. जब हम कोई hard work करते हैं तो उसका कोई substitute नहीं हो सकता. D, don't wait. किसी अच्छे मौके का इंतजार मत कीजिए, आज से ही काम करना शुरू कर दीजिए. S for step out from your comfort zone, because great things never come from the comfort zone. And last का B है, be a dreamer or a doer. बड़े सपने देखिए और उनको पूरा करने के लिए आज से ही काम करना शुरू कर दीजिए. With this new abbreviation, I am going to start your new chapter, chapter 6 of class 9th. Name of this chapter is tissue. So what do you mean by tissue? Tissue means a group of cells which are similar in structure, work together to perform a single function. That is called tissue. Means a group of cells which are similar in structure. Structure में दोनों चीज़ें consider होती हैं बच्चों, shape and size, and work together to perform a specific function is called tissue. अब उनकी नंबरिंग कुछ भी हो सकती है, उस पर हम गौर नहीं करेंगे. सो यहाँ पे आपको ये प्लांट की बॉडी दिखाई दे रही है. इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज होते हैं. लाइक दैट हमारी बॉडी में भी हर पार्ट में अलग अलग टाइप के टिश्यू मिलकर स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. यस, फंडामेंटल यूनिट के बारे में आपने फर्स्ट, इससे प्रीवियस चैप्टर में आप बहुत अच्छे से कर चुके हैं. ओके, सो हेयर द डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड हेयर इज द एनिमल सेल. इन क्लास 7th इन द ऑर्गेनाइजेशन लेवल वी हैव स्टडीड दैट व्हेन सेल्स एग्रीगेट दे फॉर्म टिश्यू. व्हेन दैट डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू एग्रीगेट दे फॉर्म ऑर्गन, एंड व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनम ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म आउट ए स्पेसिफिक फंक्शन, देन इट इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम. एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम कंबाइंडली फॉर्म ए इंडिविजुअल. ये प्लांट की बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन लेवल है, एंड हेयर इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल बॉडी. बट यहाँ पे सेल से पहले टू स्टेप्स और दिखाए हुए हैं, दैट इज द एटम एंड मॉलिक्यूल. एटम एंड मॉलिक्यूल के पार्टिकल्स के बारे में आपने फर्स्ट चैप्टर में किया है, डिटेल में हम थर्ड एंड फोर्थ में करेंगे. सो हेयर इज द एनिमल सेल. व्हेन दीज सेल्स एग्रीगेट ग्रुप्ड टुगेदर दे फॉर्म टिश्यू, एंड टिश्यू ग्रुप टुगेदर फॉर्म ऑर्गन. व्हेन डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क टुगेदर इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम, एंड व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स वर्क टुगेदर ए फॉर्म इंडिविजुअल. सो चिल्ड्रन, अवर बॉडी इज अ मशीनरी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स. हेयर इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट की बॉडी में प्लांट टिश्यू होता है, एनिमल की बॉडी में एनिमल टिश्यूज होते हैं. तो मेन डिफरेंस क्या है? डिफरेंसेस कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे? जो आपने फंडामेंटल यूनिट में जो डिफरेंसेस किए हैं, यानी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में किए हैं, वो सेलुलर लेवल पे किया है. तो जब जो उस टाइप के सेल्स मिलकर टिश्यू फॉर्म करते हैं तो उनमें कौन कौन से डिफरेंसेस देखने को आपको मिलेंगे? फर्स्ट, सेल्स ऑफ द प्लांट टिश्यू हैव सेल वॉल. ये तो होती है, यानी कि उनका जो टिश्यू होंगे वो भी थोड़े रिजिड नेचर के होंगे. और एनिमल टिश्यू में कोई सेल वॉल नहीं होती, तो हमारे जो टिश्यू होंगे वो एज कंपेयर टू प्लांट टिश्यू थोड़े सॉफ्ट होंगे, राइट? दिस टिश्यू रिक्वायर द लेस एनर्जी एंड मेंटेनेंस एज प्लांट डू नॉट रिक्वायर मूवमेंट. प्लांट्स आर स्टेशनरी, सो उनके टिश्यूज को काम करने के लिए एनर्जी की कम की जरूरत होती है. बट हम लोग क्या करते हैं, मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो एनिमल टिश्यू को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. सम टिश्यूज आर लिविंग एंड सम आर डेड इन प्लांट बॉडी, बट इन एनिमल्स बॉडी और क्या नहीं, इन ह्यूमन बॉडीज ऑल टिश्यूज आर लाइव. यस, प्लांट टिश्यू दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट, वेयर एज द दे कंट्रोल ऑल द फंक्शंस.
डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपल इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है बहुत सिंपल होता है, जिसके बारे में हम आने वाले स्लाइड्स में उसकी स्टडी करेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। दैट्स वाई फर्स्ट हम स्टडी करेंगे प्लांट टिश्यू की, उसके बाद हम फोकस करेंगे एनिमल टिश्यू की इस चैप्टर में। राइट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ द प्लांट लीड टू द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ। बट एनिमल्स में ऐसा नहीं होता चिल्ड्रन, एक फिक्स एज के बाद जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है, जबकि प्लांट्स में आप देखिए अगर ब्रांचेस काट दी जाती हैं तो वहाँ से नई ब्रांचेस निकल के आ जाती हैं, बट एनिमल्स में नहीं होता। अगर मान लो कोई हमारा बॉडी का पार्ट कट जाता है तो वो दोबारा रीग्रो नहीं होता, बट अपनी बॉडी में एक ग्लैंड है दैट इज द लीवर, लीवर रीजनरेट हो जाती है। यस, हेयर इज द प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू, कि प्लांट टिश्यू कितने टाइप के हैं, उनके फर्दर डिवीजन क्या क्या हैं, इस स्लाइड से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बेटा। देखिए, सो द प्लांट टिश्यू आर जनरली टू टाइप्स, मेन टू ही टाइप होते हैं, लेकिन कई बुक्स में आपको थ्री टाइप्स का भी मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्टिव टिश्यू को भी इसके बीच में ही कंसिडर करते हैं, लेकिन अपनी एनसीईआरटी की बुक में उसको अलग से दिखाया है, तो मैं उसको अलग से ही एक्सप्लेन करूंगी। राइट, सो वी हैव टू मेन प्लांट टिश्यूज, वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अनादर इज परमानेंट टिश्यू। एंड दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट इज द रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ ऑफ प्लांट is further divided into three categories on the basis of its location. किन किन categories में divide किया गया है? Apical meristem, lateral meristem and intercalary meristem. तीन categories में इसको divide किया गया है, right? तो जो permanent tissue है, जो कि meristematic tissue की जो cells हैं proper division के बाद में mature हो जाती हैं, then this meristem convert into permanent tissue. So we have two types of permanent tissue. Again simple, यानी just जो meristem के बाद वाली cells होती हैं वो क्या बनाएंगे? Simple permanent tissue. और जो बिल्कुल last में बिल्कुल अच्छी mature हो चुकी हैं उनसे फिर बनता है बच्चों complex permanent tissue. सो सिंपल परमानेंट टिश्यू फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री कैटेगरीज, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अगेन स्क्लेरेन्काइमा हैज टू मेन पार्ट्स, स्क्लेरेन फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स, जिसके बारे में मैं हर एक टाइप के बारे में डिटेल में आपको आने वाली स्लाइड्स में क्लियर करूंगी। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज ऑल्सो हैव टू मेन पार्ट्स, वन इज जाइलम, अनादर इज फ्लोएम। जाइलम जैसा कि नाम है, ये जल की ट्रांसपोर्टेशन करता है, जल हिंदी वर्ड इसके साथ आप याद रख सकते हैं। फ्लोएम तो एफ वर्ड आ रहा है, तो ये किसकी ट्रांसपोर्टेशन करेगा? फूड की। अगेन फ्लोएम इज मेड अप ऑफ फोर मेन कंपोनेंट्स, फ्लोएम ट्रैकिड्स, फ्लोएम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। लाइक जाइलम, फ्लोएम हैज ऑल्सो मेन फोर पार्ट्स, फ्लोएम सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। राइट, और जो मैंने अभी बात की थी कि इस आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू के बीच में एक प्रोटेक्टिव टिश्यू और आता है, दैट इज ऑल्सो हैविंग टू मेन पार्ट्स, एपिडर्मिस एंड कोक। यस, सो प्लांट टिश्यू में टू टाइप्स कौन सी देखेंगे हम? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, कहाँ लोकेट होता है? स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एनाटॉमी की स्टडी करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एनाटॉमी? स्टडी ऑफ एनी इंटरनल ऑर्गन इज नोन एज एनाटॉमी, राइट? सो वी हैव टू फोकस ऑन थ्री मेन पॉइंट्स। फर्स्ट, इट्स लोकेशन, कि कहाँ लोकेट है। सेकेंड, इसकी स्ट्रक्चर क्या है। एंड थर्ड वन इज फंक्शन क्या है। किसी भी, चाहे वो एनिमल के किसी इंटरनल ऑर्गन की आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप प्लांट बॉडी में कर रहे हैं, तीनों पॉइंट्स पे आपने फोकस करना है। सो फर्स्ट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लोकेट कहाँ है? ग्रोविंग रीजन ऑफ प्लांट। प्लांट के जो ग्रोविंग रीजन है कौन से होते हैं? मेन ग्रोविंग रीजन कहाँ कहाँ हो सकती हैं? जो प्लांट का टिप होता है, रूट का टिप होता है, या जहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं, ऑल दीज आर नोन एज द ग्रोविंग रीजन। ये मैं आपके लिए एक प्लांट लेके आई हूँ, दिस इज द वीड, ये हमारे लिए वीड है, बट गॉड ने हर चीज में कोई ना कोई एक क्वालिटी डाली है। तो ये जो रूट का टिप है,
यहाँ पे और इस सूट के टिप पे जहाँ से लीव अराइज हो रही है इस जगह पे, इन जगहों पे प्रेजेंट होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो होप कि आपको लोकेशन क्लियर हो गई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बाकी मैं बताऊंगी कि इस जगह पे होता है उसको कौन सा मेरिस्टेम बोलते हैं, यहाँ पे होता है उसको कौन सा बोलते हैं, और जो इसकी विड्थ को इंक्रीज करता है उसे कौन सी बोलते हैं, राइट। स्ट्रक्चर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल, क्योंकि इसमें बहुत फास्ट डिवीजन होती है, और फास्ट डिवीजन कौन कौन सी सेल करेंगे जो कि लिविंग होती हैं। फंक्शन, दे आर कैपेबल इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स थ्रू द सेल डिविजन्स। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, चाहे वो जिस मर्जी जगह पे लोकेट है, टिप ऑफ द स्टेम और टिप ऑफ द रूट हो, या बेस ऑफ लीफ यहाँ पे प्रेजेंट हो, या इसकी लैटरल विड्थ को इंक्रीज कर रहे हो, दे ऑल आर कैपेबल इन सेल डिविजन्स। ओके, सो वी हैव थ्री मेन टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। सो लेट्स वी स्टडी वन बाय वन। फर्स्ट, एपिकल मेरिस्टेम, जैसा कि इसका नाम है तो कहाँ होगा ये एपिकल मेरिस्टेम, जो इस स्टेम की टिप है, देखिए ये छोटी छोटी ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही हैं, यस ये सारा एपिकल मेरिस्टेम किसका है, स्टेम का। ऐसे ही इस रूट की जो टिप है वहां पे एपिकल मेरिस्टेम होता है। तो लोकेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, राइट। तो ग्रोविंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट, ऑल सेल्स आर स्मॉल इन साइज विद थिन सेल वॉल। अब सेल का स्ट्रक्चर आप अच्छे से कर चुके हैं, तो यहाँ पे जो प्लांट सेल्स प्रेजेंट होंगी बहुत पतली होंगी उनकी सेल वॉल, क्योंकि पतली होएगी तो उसमें थिन होएगी तो उसमें सेल डिवीजन इजीली हो जाता है। सेकेंड, थर्ड, इसका फंक्शन क्या है, दिस टिश्यू लीड्स टू द इलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट। तो ये जो टिश्यू है एपिकल मेरिस्टेम, ये स्टेम की लेंथ बढ़ा रहा है ऊपर की तरफ, तो इधर नीचे से रूट की लेंथ भी, मतलब उसको भी और डेप्थ तक लेके जा रहा है। ओके, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। अगर मान लो किसी प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं हो तो क्या वो ग्रोथ कर पाएगा, जी नहीं। तो यानी जो प्लांट बॉडी की ग्रोथ, ग्रोविंग स्टार्टिंग है, इनिशियल है, वो इनिशियल पॉइंट क्या होएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो एपिकल मेरिस्टेम क्लियर, टिप ऑफ द स्टेम, टिप ऑफ द रूट, रिस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन, लंबाई ऊंचाई बढ़ाने के काम में आते हैं दोनों के, यस। सेकेंड आता है बच्चों इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जैसा कि इसका नाम दिया हुआ है, कहाँ पे प्रेजेंट है ये, ये देखिए ये लीफ का बेस है, दिस इज द बेस ऑफ लीफ, ये देखिए ठीक। और ये लीव कहाँ से अराइज हो रही है, इस जगह पे स्टेम में थोड़ी सी थिकनेस आ जाती है, दिस इज नोन एज नोड, इसको हम नोड्स बोलते हैं, राइट। और ये देखिए यहाँ पे थोड़ा हल्का सा डिफरेंस आपको दिखाई देगा, बीच का पूरा सेम है शेप इसका, लेकिन इस जगह पे आके थोड़ी सी ब्रॉडर हो गई हैं। तो ये जो नोडल रीजन है, यहाँ पे आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। लोकेशन क्लियर, सेल्स आर लिविंग विद द स्लाइटली थिक सेल वॉल, क्योंकि अब क्या हो रही है उसमें डिवीजन बढ़ती जा रही है, डेरिवेशन आ रही है इसके अंदर, यानी मेरिस्टेमेटिक जो था आपका एपिकल था उसकी सेल्स की सेल वॉल बहुत थिन थी, लेकिन अब इंटरकैलरी की उससे थोड़ी थिक हो गई है, राइट। लोकेशन क्लियर, बेस ऑफ द लीफ एज वेल एज एट द नोडल रीजन। फंक्शन क्या होगा, दिस टिश्यू हेल्प इन द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट, एक तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करता है एंड ऑल्सो हेल्प इन द ओरिजन ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस, राइट। थर्ड आता है बच्चों हमारे पास लैटरल मेरिस्टेम। अब लैटरल मेरिस्टेम कहाँ होएगा, इसका रीजन एपिकल का, एपिकल ट्रिक पे, इंटरकैलरी नोडल रीजन पे, अब इसकी मोटाई कैसे बढ़ेगी। अब देखिए स्टार्टिंग में जब कोई भी प्लांट सीड से ग्रो होता है तो उसका स्टेम बहुत थिन होता है, बट धीरे धीरे टाइम के बाद में वो क्या होता जाता है, थिकर होता जाता है। सो उसकी थिकनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द लैटरल मेरिस्टेम। सो लोकेशन क्या होएगा, द लैटरल मेरिस्टेम आर प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड ऑफ स्टेम एंड रूट, दोनों के ऊपर, क्योंकि खाली स्टेम की ही थिकनेस नहीं बढ़ती, रूट की भी बढ़ती है। ये देखिए इस जगह पे, इस पॉइंट पे क्या, ये एपिकल हो गया, जहां से आपकी लीव अराइज हो रही है वहां पे इंटरकैलरी, ये इंटरकैलरी नहीं, ये इस जगह पे इंटरकैलरी, राइट। और ये जो थिकनेस बढ़ा रही है दैट इज द लैटरल मेरिस्टेम।
स्ट्रक्चर सेल्स ऑफ दिस टिश्यू हैविंग द थिक सेल वॉल। एपिकल की सबसे थिन थी, इंटरकैलरी की उससे थिक हो गई, और जो लेटरल है उसकी और ज्यादा थिकर हो गई है, राइट। फंक्शन क्या होएगा इसका? दीज मेरिस्टेम्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ द प्लांट। द वैस्कुलर कैम्बियम एंड द कॉर्क कैम्बियम आर गुड एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वट आर द वैस्कुलर कैम्बियम? जहाँ पे आगे में इसमें आपको परमानेंट जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आएगा उसमें बताऊंगी कि वैस्कुलर कैम्बियम कौन सा होता है एंड कॉर्क कैम्बियम क्या है। एक्चुअली ये रिंग बन जाती है इसकी थिकनेस में। उन रिंग्स को काउंट करके बताया जाता है कि ये जो प्लांट है इसकी एज कितनी होगी, राइट। थैंक यू चिल्ड्रन। इस पार्ट में हमने क्या किया, एक बार थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं। स्टार्टिंग में आपने जाना कि टिश्यू क्या होता है। सो ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन शेप एंड साइज वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। टिश्यू एग्रीगेट होते हैं, दे फॉर्म organ, when organs work together they form a organ system and individual is made up of lot of organ systems, right. Then we have studied about the difference between the plant tissue and animal tissue. उसके बाद हमने देखा कि टिश्यू की क्लासिफिकेशन क्या है। चार्ट से आप और अच्छे से एक बार उसको दोबारा कर सकते हो। मेजर टाइप टू ही होती है, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक का हमने आज डिटेल में कर लिया है। मेरिस्टेमेटिक अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट्स, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम, बिकॉज दे आर गिवन द नेम ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। तो होप कि यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। अब जो इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।